अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, मुझे लाइक भी कर रहे होंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखते होंगे। तो ज़रूर आप मुझे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरे जो मैं बनाती हूँ उसे देखें भी लाजमी, और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि मैं इसको कैसे अच्छा बना सकती हूँ, या और कोई मुझे अच्छे से आइडियाज़ भी दें। तो आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस विद गार्लिक। ये हैं वाइट राइस, ये थोड़ा बहुत, ठीक है, और चार अंडे हैं, और ये एक पूरा जो है लहसुन, ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये पूरा लहसुन, ठीक है। और ये एक गाजर है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है, ये गाजर है, ये भी मैंने चॉप करके रखी हुई है। और ये शिमला मिर्च है, ये एक एक ही डाली, ठीक है। ये हरा प्याज है, ये देखिए इस तरह, ये एक मैंने लिया था और इसका मैंने जो है ग्रीन पार्ट जो है वो काट के रखा हुआ है, ठीक है। और ये फिर जाएगा इसमें सिरका 1 टेबल स्पून, और ऑयल जितना चाहिए होगा, और सोया सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस जाएगी 1 टेबल स्पून, और जाएगा एक जो है चम्मच जाएगा नमक का, और हाफ टी स्पून जो है वो काली मिर्च, ठीक है, पिसी हुई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चार डालें, ये अंडों में जो है हाफ टी स्पून मैंने डाली काली मिर्च, और हाफ टी स्पून डाला नमक, इसको हम ध्यान रखें। ये गार्लिक पे फ्राई होगी है, इसको मैं निकाल लूंगी। अब इसमें जो है हम ऑयल डालेंगे, और तकरीबन 4 टेबल स्पून डालेंगे। इसमें हमने नमक और काली मिर्च डाली है, इसको हम इसमें डाल देंगे। हमने गार्लिक इसमें फ्राई की थी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये निकाल लिए मैंने अंडे, ये गाजरें डाल देंगे चॉप की, आगे शिमला मिर्च डाल देंगे, हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून नमक, इसमें हम ये डाल देंगे बॉयल राइस जो हमने रखा हुआ है एक बार। ये
इसके अंदर भी डाल देंगे। थोड़ा सा ये गार्लिक जाएगा बाकी ऊपर ये देखें अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप ही बनाइएगा जरूर मुझे बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये जो हमने गार्लिक फ्राई करके निकाली थी थोड़ी सी मैंने उसमें डाल दी थी, अब बाकी जो हम इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा है। ट्राई कीजिएगा, पसंद आएंगे आपको, मुझे गाँव में याद रखिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स भी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।